तो वीवीए प्रोग्रामिंग में हम जो है वेरिएबल्स का यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपके सामने करने वाले हैं। जैसे मुझे दो नंबर को सम करना है, तो यहां पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू, और यहां पे एक्स प्लस वाई, सिंपल सा। अब एक्स प्लस वाई में यहां पे एक्स का इक्वल टू हम 10 कर देते हैं, वाई इक्वल टू हम यहां पे 20 कर देते हैं। अब मैं एमएसजी बॉक्स के अंदर में ए आसानी से शो कर सकता हूं, ए, ठीक है। आप देखेंगे कि यहां पे 30 आपको शो। तो यहां मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया जिसमें आपने देखा कि x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, और यहां पे हमने a प्लस एक्स वाई प्लस किया और यहां पे a करके प्रिंट किया, रिजल्ट आ गया। यहां पे मैंने x और y को वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, तो मतलब कि y डिफॉल्ट वेरिएंट हो गया। आप यहां चाहो तो डिफाइन कर सकते हैं, हमने x और y दोनों इंटीजर है तो मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकता हूं कि डिम एक्स एज ए इंटीजर, डिम वाई एज ए ऑल्सो इंटीजर, और डिम ए एज ए ऑल्सो इंटीजर। इस तरह से तीनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप अगर सेम कास्ट के हैं तो यहां पे एक्स वाई और ए तीनों आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि मैं यहां ए हो गई हमारा, नीचे आते हैं दूसरे। अब मुझे यहां पे ग्रोथ निकाल, सो मेरे पास एक बनाना चाहता हूं एक माइक्रो जिसमें मेरा ग्रोथ निकाल के दे। तो क्वार्टर वन जिस इक्वल टू मैंने यहां पे 50 कर दिया, क्वार्टर टू इक्वल टू हमने यहां पे 60 कर दिया, और फिर हमने जी आर इक्वल टू किया इन द ब्रैकेट कि क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर क्वार्टर सॉरी क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो मेरे पास तीन वेरिएबल है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड ग्रोथ। तो यहां हम जो है लिखेंगे कि डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए, मान लीजिए कि लॉन्ग है, लेकिन जो ग्रोथ है जो कि हमारा ए निकल रहा है, जिससे हमारा परसेंटेज निकल रहा है, वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा। तो जी आर एज ए डबल, ऐसा क्यों सर? क्योंकि डेसिमल है डिसिप्लिन आएगा इसके लिए। जी है ना, डेसिमल आएगा। और फिर यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे जी आर कर दिया। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाते हैं आपको, तो देखेंगे 0.2 आया, बट इस तो फॉर्मेट परसेंटेज में आना चाहिए। तो परसेंटेज में लाने के दो तरीके हैं, एक तो मैं पहले इसी को समझिए, पूरा समझिए, ठीक है। जी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे बोला कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, और ग्रोथ मेरा निकल गया, और हमने मैसेज जी बॉक्स में ग्रोथ दे दिया। ग्रोथ क्या है, वेरिएबल डबल है, क्या है, वेरिएबल हमारा डबल डबल है। जब जी रन जी करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, 0.2। जी अब इसको जी जी 20% शो करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ और इसके साथ कॉन्केट कर देता हूँ इन्वर्टर कॉमा में परसेंटेज का सैम्बल, जो कि जी मैं यहाँ रन करूंगा तो दिखेगा। देखिए 20% भी टेक्स्ट हो गया, इसके ऊपर जो कैलकुलेशन वगैरह होता है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जी आर जो है नंबर ही रहे लेकिन वो परसेंटेज में दिखे, इसके लिए हम फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 0.0 और परसेंटेज का सैम्बल दे देंगे। अब देखिए कि आपको यहाँ पे 20% आएगा, 20% आया जी। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन आता है, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां मेरे माइक्रो के अंदर में टोटल तीन वेरिएबल है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड जी आर। तो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एक लॉन्ग कैटेगरी का है, इसने अलग किया है, और जी आर जो है डबल कैटेगरी का है, जिसको हमने दूसरी लाइन में किया है। हालांकि आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब इकट्ठा में ऐसा नहीं कि मैं यहां पे जी आर दे दू, अगर मैंने यहां पे जी आर दे दिया तो एज ए लॉन्ग हो जाएगा, न कि डबल रहेगा। तो आप इसको एक ही डीम से यहां पे कॉमा दे के दे सकते हैं कि जी आर एज ए डबल,
तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में। तो सेम कास्ट इकट्ठा रहेगा और अनदर कास्ट को आप अलग कर सकते हैं इस तरह से। जी जी ठीक है जी अंडरस्टूड। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझ में आया आपको? जी सर। तो मैं चाहूंगा कि मुझे आप 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा ही करके दें। कितने? 10। 10 जी जी। और इसमें आप सही तरीके से वेरिएबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आगे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि बाकी लोग नहीं आए।